औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैलेंट स्किल लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम हाज़िर हुए हैं आपके साथ एक छोटे से लेक्चर, छोटे से टॉपिक में, जिस जो है फ्रूट फार्मेशन के, फ्रूट फार्मेशन कैसे हो होती है। द ओवरी इनलार्जेस टू फॉर्म अ फ्रूट कंटेनिंग सीड्स। मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फ्रूट होता है वो ओवरी से फार्म होता है। तो पहले क्या होगा कि ओवरी इनलार्ज होगी फ्रूट के फॉर्म में, जिसमें सीड हो गए, या सीड एक होगा सीड या दो सीड होंगे। द स्टिग्मा एंड स्टाइल डिसअपीयर्स। स्टिग्मा स्टाक को कहा जाता है और स्टाइल भी, स्टिग्मा और स्टाइल ये फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, जो कि फ्रूट फार्मेशन के दौरान डिसअपीयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। द स्टेमिन्स एंड पेटल आर यूजुअली लॉस्ट आफ्टर पोलिनेशन। इन सम केसेस सेपल्स रिमेन अटैच्ड विद फ्रूट लाइक ब्रिंजला। तो मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पर सेपल्स होंगे, सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो पोलिनेशन के बाद लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने स्टेमिन्स यहाँ पर लिखा हुआ है। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं, वो होते हैं फ्रूट में, फ्रूट सेटेज होते हैं। अगर हम ब्रिंजला की बात करें तो आपने देखा होगा कि ब्रिंजला के ऊपर आपको ग्रीन जो हैं वो पत्ते, सेपल्स जो हैं ये नज़र आ रहे होंगे। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट। हमने पहले पढ़ा कि एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है ताकि एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो सके। इट आल्सो स्टोर्स एनर्जी इन ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, ग्राम ईटीसी। ये एनर्जी को भी स्टोर करते हैं ग्रेन्स। ग्रेन्स कहते हैं दाने, जैसे वीट के दाने हो गए, गंदम के, चावल हो गए और चने हो गए। तो अब इनके ग्रेन में ये एनर्जी स्टोर करते हैं। विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अस आर अदर एनिमल्स। ये एनर्जी जो होती है वो हम भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स भी यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट फार्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब जो ये एक और प्रोसेस है जिसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की फार्मेशन होती है। फ्रूट एंड सीड फार्मेशन यूजुअली अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उमूमन जो होता है, जो फ्रूट और सीड फार्मेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होती है। पर बट सम फ्रूट में फार्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पर कुछ जो फ्रूट होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही पैदा हो जाते हैं। दिस द मैकेनिज्म इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। फार्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। अगर हम इस विदाउट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को देखें, तो पार्थिनोकार्पी को देखें, तो इसमें सीडलेस फ्रूट जैसे बनाना हो गए, ग्रेप्स हो गए, तो ये इसके एग्जांपल। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू।